इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे एक माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्याधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो।